नमस्कार बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको पॉलीनोमियल चैप्टर करा रहा था, इंट्रोडक्शन मैं करा चुका हूँ। जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन करना है वो जाके पीछे वीडियो को देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ, ये मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे आप लोग। दूसरा, जिस बच्चों को एक्सरसाइज में मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन को देखो, अब जैसे फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था कि ये दो पॉलीनोमियल होता है, एक पॉलीनोमियल तो दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दूसरा पॉलीनोमियल दिया है एक्स प्लस वन ए फैक्टर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब ये बताना है कि ये पॉलीनोमियल के लिए एक्स प्लस वन फैक्टर है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप एक्स की जगह एक्स की जगह मतलब एक्स प्लस वन को पहले तो जीरो करोगे और एक्स इक्वल टू माइनस वन, और एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो जी ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। जी ऑफ एक्स इज जीरो एट माइनस वन। ठीक, अब हमें ये देखना है कि क्या माइनस वन पे पी ऑफ एक्स जीरो होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स हर एक्स की जगह माइनस वन लिखोगे, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक, अब ये वैल्यू रखो माइनस वन का क्यूब। मैंने पहले भी बताया था कि अगर माइनस वन का पावर इवन होगा तो वन होगा, और माइनस वन का पावर अगर माइनस वन का पावर इवन है तो वन होगा, और माइनस वन का पावर ऑड है नंबर तो माइनस वन होगा। यहाँ माइनस वन के पावर क्यूब तो ऑड नंबर है तो ये माइनस वन होगा, ये इवन नंबर है तो वन होगा, ये माइनस वन होगा और ये वन होगा। तो माइनस वन प्लस वन और ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस वन। ठीक, तो ये जीरो आ गया। तो हाँ, पहले वाले में वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो लिखोगे पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, और इसका आंसर क्या लिखोगे, यस, ये यही पूछ रहा है, यस आर नो, डिटरमाइन करो एक्स प्लस वन ए फैक्टर है कि नहीं। अब हर जगह है, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन पुट करते जाएंगे और ये देखेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम फिर कर रहे हैं, एक्स टू पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बी है। ठीक, दिख रहा है ना, प्लस एक्स प्लस वन दिख रहा है ना। ठीक, एक्स टू पावर फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पी माइनस वन, ये माइनस वन टू पावर फोर प्लस, देखो माइनस वन टू पावर फोर माइनस वन टू पावर क्यूब प्लस माइनस वन टू पावर स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। तो माइनस वन का पावर इवन तो वन, ठीक, माइनस वन का पावर ऑड तो माइनस वन, माइनस वन का पावर इवन तो फिर प्लस वन, और ये माइनस वन और ये वन, प्लस माइनस माइनस होता है वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो ये वन से वन कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या आया आंसर पी ऑफ माइनस वन बी के लिए, वन। तो जीरो आया नहीं आया, तो आप लिखोगे कि एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, पी ऑफ एक्स सीन्स बिकॉज पी ऑफ माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पी ऑफ माइनस वन जीरो नहीं आया। ठीक, और एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ, यहाँ आंसर आप नो भी दे सकते हैं, खाली नो में, बहुत बच्चे खाली नो लिख देते हैं, काम हो जाता है उनका। ठीक, अब इससे थर्ड, थर्ड में, थर्ड क्या है, पी ऑफ एक्स एक्स टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर वही एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे, पी ऑफ माइनस वन एक्स टू पावर फोर, तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस वन रख देंगे, माइनस वन टू पावर फोर
प्लस थ्री, ये एक्स क्यूब है तो माइनस वन क्यूब प्लस थ्री, माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस वन टू पावर फोर, ये क्या आ जाएगा, इवन है पावर तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक, प्लस वन क्या वन ही लिखते हो आप, प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन का पावर आठ तो क्या आ जाएगा माइनस वन, प्लस ये इवन, इवन है तो प्लस वन, तो वन ही लिखेंगे, और प्लस माइनस वन और प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन थ्री टू पावर माइनस वन, ठीक, तो ये आ जाएगा वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस वन से वन कैंसिल, ठीक, तो ये वन आ गया, तो ये भी एक फैक्टर नहीं है, पी ऑफ माइनस वन, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, नो, तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन, ये नोट कर लो, एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, इस पी ऑफ एक्स का लिख लो, देखो क्या है ना, ये वैल्यू पुट करना आना चाहिए, जब धीरे धीरे आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको आंसर निकालना आ जाएगा, ठीक है ना, ये आप वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक, हाँ, तो इसका रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आया, तो लिखो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देन एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, इट्स फैक्टर लिख दो या कुछ भी, ठीक है ना, अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये लिख लिए ना, थर्ड नोट कर लेना, थर्ड उस बार वही क्वेश्चन ज्यादातर क्लास में पूछा जाता है हमसे, फोर्थ, ठीक, तो आप वो क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बच्चे आते हो थर्ड ही पूछते हो, रूट की वजह से, रूट लगा हुआ है तो क्या हुआ, घबराने की बात नहीं, रूट दिया है तो उसमें क्या है, आप वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, होना होगा तो हो जाएगा जीरो, तो आप पहले पी ऑफ एक्स लिख लेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू, एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस वन, माइनस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, माइनस वन प्लस रूट टू, माइनस वन का पावर क्यूब तो माइनस वन का पावर आठ माइनस वन, माइनस माइनस वन का पावर इवन प्लस वन, माइनस टू प्लस रूट टू, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई है तो टू प्लस रूट टू और प्लस रूट टू, तो ये हो गया माइनस टू प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, टू टू कैंसिल हो गया तो आ गया टू रूट टू, रिमाइंडर जीरो आया नहीं आया, तो लिखो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देन एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, नॉट नॉट इट्स फैक्टर लिख दो, जो भी नॉट इट्स फैक्टर, या फैक्टर आप पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, अब जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है ना।